हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं लंका प्रीमियर टी20 लीग का दम्बुल्ला विकिंग वर्सेस कोलंबो किंग्स के बीच में होने वाले मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पहले हम बात करने वाले मैच की डिटेल्स क्या होने वाला है और ये मैच कहाँ पर खेला जाएंगे, सारे डिटेल्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम कवर करने वाले हैं प्लेइंग 11 दोनों टीम की विथ स्टैट्स फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि आपको स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेयर्स की रिसेंट परफॉर्मेंस क्या है इस सीजन में, वो डिटेल्स अब जाने वाले दोनों टीम से। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पॉइंट्स टेबल में कवर करने वाला दोनों टीम कितनी रैंक पे है, यहाँ पर कितनी पोजीशन पे पॉइंट्स टेबल पे, और यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर की प्लेयर्स भी बताने वाला हूँ और यहाँ पर आपको मैं 5 ऐसे की प्लेयर्स को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो या हेड टू हेड जो भी लीग खेलते हो फ्रेंड्स यहाँ पर, तो वो सारे प्लेयर्स को अपने टीम में रख के बनाना है फ्रेंड्स। वो 5 से लेकर 6 प्लेयर है, ये सारे डिटेल्स आपको इतनी मदद मिलेगी, आप आराम से कोई भी लीग जीत सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आप देर नहीं करते हैं फ्रेंड्स, चलिए आपको मैं आगे डिटेल्स देखता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर लंका प्रीमियर टी20 लीग का यहाँ पर 2020 में ये पहला 20वां मैच है फ्रेंड्स यहाँ पर, और ये मैच डम्बुल्ला विकिंग वर्सेस कोलंबो किंग्स के बीच में खेला जा रहा है। और यहाँ पर ये मैच देखा जाए तो महिंदा राजपक्षा इंटरनेशनल स्टेडियम हम्बनटोटा में खेला जाएंगे और ये मैच भारत के टाइम के अनुसार 8 बजे रात को होने वाला है। यहाँ पर डम्बुल्ला विकिंग की बात करते हैं, यहाँ पर अभी तक इस सीज़न में 7 मैच खेली फ्रेंड्स, जिसमें 5 मैच जीते हैं और 1 मैच हार गए और 1 मैच कैंसिल हुआ और पॉइंट्स टेबल पे पहला पोजीशन पे है। यहाँ पर डम्बुल्ला विकिंग की प्लेइंग 11 स्टार्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पर निरोशन डिकविला फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट मैच में 38 रन बनाए, 30 गेंदों का सामना किए थे फ्रेंड्स। यहाँ पर ओपल तरंगा की बात करें तो लास्ट मैच में 9 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किए फ्रेंड्स। पूरी परफॉर्मेंस है, आप यहाँ पर उनकी पूरी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पर एंजेलो फेरेरा लास्ट मैच में अच्छी पारी खेले फ्रेंड्स, 45 रन बनाए, 31 गेंदों का सामना किए, 1 और अर्धशतक बनाए, यहाँ पर देख सकते हैं। समित पटेल की बात करें तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, 3 ओवर गेंदबाजी के 18 रन दिए और कोई सफलता इनको नहीं मिली। और यहाँ पर दाशन सनका की बात करते फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किए और 4 ओवर में 38 रन दिया और 2 विकेट लिए फ्रेंड्स यहाँ पर। तो अच्छे गेंदबाजी खेल थोड़ा, यहाँ पर इस टीम के कप्तान भी है। यहाँ पर अनवर अली की बात करते हैं, यहाँ पर 4 ओवर में 37 रन दिया, 3 विकेट मिला फ्रेंड्स यहाँ पर। मलिंदा पुष्पकुमारा की बात करते फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट मैच में 2 ओवर 26 रन दिया और कोई सफलता इनको नहीं मिली। रमेश मिंडिस की बात करें तो 4 ओवर में 28 रन और 2 विकेट लिए फ्रेंड्स यहाँ पर। कसुन रजिता की बात करें तो हमें 4 ओवर में 31 रन और 2 विकेट है। सुदीप चागी की बात करें तो 1 ओवर में 12 रन और कोई सफलता नहीं है। और समीवल सिनवारी को बॉलिंग तो मौका नहीं मिला, जब बैटिंग मौका मिली तो कमाल की पारी खेली फ्रेंड्स यहाँ पर, 46 रन नॉट आउट, 20 गेंदों का सामना किया। रमेश मिंडिस ने 13 रन नॉट आउट, 7 गेंदों का सामना किए। और पॉल स्टर्लिंग की बात करें तो आयरलैंड के ओपनर बैट्समैन है, लेकिन इस सीजन में पूरी फ्लॉप रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। 3 मैच खेले, 3ों मैच फ्लॉप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी स्टार्ट। दिलशान मधुसन का भी यही हाल है फ्रेंड्स, इनको बेंच पे बैठाया जा रहा है। ओसादे फर्नांडो ने 10 रन बनाए फ्रेंड्स। लहिरू मधुसंका की बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अब 1 ओवर गेंदबाजी करी है और 21 रन दे चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इनको इसलिए बैठाया जा रहा है बेंच पे। अफ्ताब आलम की बात करें तो 3 ओवर में 22 रन 1 विकेट मिला। और यहाँ पर पुलिना तरंगा की बात करो तो यहाँ पर बैटिंग तो फ्लॉप है, थोड़ा विकेट इकॉनमी ज़्यादा हुई है लेकिन 2 विकेट लें, लेकिन यहाँ पर इनको बैठाया जा रहा है। यहाँ पर लहिरू कुमारा की बात करो तो इनका भी यही हाल है, 4 ओवर में 63 रन, मतलब 16 के इकॉनमी है यहाँ पर लगभग। सचिन तो कोलम्बेज की बात करें तो 1 ओवर में 18 रन और कोई सफलता नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आ गई कोलंबो किंग्स की बात करो तो यहाँ पर अभी तक 7 मैच खेली फ्रेंड्स, 5 मैच जीते, 2 मैच हार गए, पॉइंट टेबल पे सेकंड पोजीशन पे है। कोलंबो किंग्स की प्लेइंग 11 की बात करो तो यहाँ पर दिनेश चंडीमाल फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट मैच में 11 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, यहाँ पर अच्छे इनिंग्स भी खेले फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लॉरी इवेंट्स की बात करें तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी आपको बताया पूरी तरह फ्लॉप हो रहा है, लेकिन 1 मैच बहुत अच्छे खेलेंगे यहाँ पर 59 रन, लेकिन लास्ट मैच में तो कमाल की पारी खेल दी फ्रेंड्स यहाँ पर, 108 रन नॉट आउट, 65 गेंदों का सामना किया, एकदम डेंजरस इनिंग खेली फ्रेंड्स यहाँ पर। और डैनियल बैंड बेल ड्रमंड की बात करते हैं, यहाँ पर 12 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किए। टिक्सिला डिसिल्वा ने यहाँ पर 27 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किए फ्रेंड्स यहाँ पर, और कोई 1 ओवर गेंदबाजी के 13 रन, कोई सफलता नहीं मिले। एंड्रू रसल की बात करें तो 21 रन बनाए, 14 गेंदों का, 4 ओवर में 46 रन, 3 विकेट मिला फ्रेंड्स यहाँ पर। एंजेलो मैथ्यूज की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 15 रन बनाए, 14 गेंदों का सामना किया, 2 ओवर में 17 रन और कोई सफलता नहीं मिली। आसन प्रियंजन की बात करें तो 3 ओवर में 18 रन और कोई सफलता नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। ईश्वर उदाना की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 ओवर गेंदबाजी किए, 20 रन दिया और 1 विकेट मिला। खवियस अहमद की बात करें तो 3 ओवर में 15 रन और 1 विकेट है फ्रेंड्स, हर मैच में विकेट ले रहे हैं खवियस अहमद। दमिका प्रसाद की बात करें तो 2 ओवर में 33 रन और कोई सफलता नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। दुश्मन चमीरा की बात करें तो 3 ओवर में 26 रन और 1 विकेट है। तरिंदु कौशल की बात करें तो 2 ओवर में 18 रन और 0 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आगे बेंच प्लेयर्स की, मनप्रीत गोनी है, अमिला रोपनसो है और यहाँ पर जेफरी वेंडर्स है फ्रेंड्स यहाँ पर। और डम्बुल्ला विकिंग की प्लेयर्स की बात करें यहाँ पर
एंजेलो फेरेरा, दर्शन शनका, कचुन रजिता और मलिंदा पुष्प कुमार है फ्रेंड। अगर आप टीम बनाते वक्त दम्बुला विकिंग्स से लेंगे तो चार प्लेयर को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना फ्रेंड्स। यहाँ पर कोलंबो किंग्स की वही हाल है फ्रेंड्स, यहाँ पर चार प्लेयर को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। डी बेल, डैनियल बेल ड्रमंड है, चंडीमाल है, दिनेश चंडीमाल, खवियर शर्मा है, धमिका प्रसाद है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आ गई फ्रेंड्स यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट प्लेयर, में पांच बोला था यहाँ पर, चार इंपॉर्टेंट प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर। अगर स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग या हेड टू हेड जो भी लीग खेलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, ये चार प्लेयर को अपने टीम में जरूर रखना फ्रेंड, तो आपको यहाँ पर बहुत मदद मिलेगा। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन में यहाँ पर है एंड्रू रसल, दर्शन शनका है, वाइस कैप्टन में समित पटेल और लॉरी एवेंस है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फिलहाल ये टीम बन गई फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आप दिखाने वाले ड्रीम इलेवन टीम, ड्रीम इलेवन टीम वो आपको मैं दूंगा फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रैंड लीग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। चलिए फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं टीम बना के रख चुका हूँ। अगर आप टीम बनाते वक्त इस तरह टीम बनाना फ्रेंड्स आपको, यहाँ पर मैं दो विकेट कीपर को लिया, दोनों विकेट कीपर अच्छे फॉर्म में फ्रेंड्स यहाँ पर, एन डिकवेला, निरोशन डिकवेला, दिनेश चंडीमान, तो यहाँ पर दोनों विकेट कीपर को मैं पिक किया फ्रेंड्स यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं तीन बैट्समैन को लिए, एंड्रू रसल, लॉरी इवेंस और उपल तरंगा। यहाँ पर अब देखा जाए तो एंड्रू रसल आपको ऑलराउंडर में नजर आएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि गेंदबाजी कर रहे हैं, हर मैच में दो तीन एक विकेट ले रहे हैं, तो यहाँ पर इनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना फ्रेंड्स यहाँ पर। तो उपल, एंड्रू रसल बैट्समैन भी कवर कर रहे हैं और यहाँ पर आपको गेंदबाजी भी कवर कर रहे हैं, और यहाँ पर दर्शन शनका ऑलराउंडर है फ्रेंड्स यहाँ पर, बैटिंग बॉलिंग दोनों संभालते हैं। समित पटेल भी वही है फ्रेंड्स यहाँ पर, दो ऑलराउंडर हो गए। और यहाँ पर के रजिता लगातार विकेट ले रहा है, खवियर समद भी लगातार विकेट ले रहा है, पुष्प कुमार और यहाँ पर डी चमीरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स यहाँ पर, इसलिए मैं दोनों बॉलर को लिया। यहाँ पर मैं चार गेंदबाज को यहाँ पर मैं पिक किया फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ पर मैं दो ऑलराउंडर को पिक कर लिया। यहाँ पर तीन बैट्समैन है यहाँ पर, और यहाँ पर दो विकेट कीपर है फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह टीम बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए आपको अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें, एंड्रू रसल को बनाए फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैच है ये, तो यहाँ पर एंड्रू रसल अच्छे फॉर्म चल सकते हैं, और उपल तरंगा भी अच्छे प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ बदलाव करना तो लॉरी इवेंस को भी आप ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन इस बार लॉरी इवेंस को ज़्यादातर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाला है, तो इसलिए आपको ग्रैंड लीग पर अगर जाते हो तो यहाँ पर छोटा प्लेयर पर जाना, वो किस तरह जाना आपको वो बताने वाला है। दिकवेला, दिनेश चंडीमाल भी आपको बेस्ट ऑप्शन है। चलिए फ्रेंड्स आपको ग्रैंड लीग पे अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं तो किस तरह बनाना वो भी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, दिनेश चंडीमाल 13.24% लोग कैप्टन बनाए हैं यहाँ पर, डिकविला 6.21, और यहाँ पर लॉरी इवेंस का ऑलरेडी बात किया, जब लास्ट मैच में बात किया तो इनकी बहुत कम थी, 0.some% था फ्रेंड, लेकिन एक मैच चलने की वजह से देख लीजिए 11.64% तक चला गया। उपल तरंगा 3.72 है फ्रेंड्स यहाँ पर, दर्शन शनका, यहाँ पर कुछ प्लेयर्स है फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ लो रेटिंग है फ्रेंड्स, उसमें लो रेटिंग में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख सकते हो के रजिता कंटिन्यूस विकेट ले रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कोई नहीं बनाया। तो फ्रेंड्स आपको जब बनाना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो 0.3%, 0.04%। तो अगर जब ग्रैंडली के लिए आप टीम बनाते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको छोटे प्लेयर्स पे जाना है। यहाँ पर के रजिता को देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत कम लोग बनाए, इसको आप बनाएंगे तो फ्रेंड्स आपको ग्रैंड लीग इजीली जीत सकते हैं। ग्रैंड लीग हमेशा रिस्की पे जीतता है फ्रेंड्स यहाँ पर, रिस्क बना मतलब इतना भी रिस्क मत बना। तो यहाँ पर मैं के रजिता को भी कैप्टन पिक कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको ग्रैंड लीग पे अगर 11 टीम बनाते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको तीन ऐसे रिस्की कैप्टन्स तो पिक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 0 पॉइंट से, यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स 0 पॉइंट से 5% वाले प्लेयर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक करना फ्रेंड्स। वहाँ आपको बड़ा प्लेयर भी कवर हो जाएगा, छोटा प्लेयर भी कवर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं खवियर अहमद को मैं कैप्टन बना दी, यहाँ पर कंटिन्यूस विकेट ले रहे हैं। यहाँ पर उपल तरंगा प्लेयर बहुत कम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी देखा जाए तो 3.72 है, मैं ओनली कैप्टनशिप बात कर रहा हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर इन प्लेयर को मैं वाइस कैप्टन क्यों नहीं बना सकता, तो यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन में उपल तरंगा को शिफ्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स इससे आपको कितनी मदद मिलने वाली, तो यहाँ पर इस तरह ग्रैंड लीग की टीम बनाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको टीम प्रीव्यू देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता ऑलरेडी बता दिए ग्रैंड लीग के लिए आपको यहाँ पर 0 से लेके 5% वाले प्लेयर को एकदम पिक करना फ्रेंड्स, तो आप इजीली ग्रैंड लीग जीत जाओगे। तो फ्रेंड्स यही है पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसी टाइप इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेंड कुछ नहीं करना, जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, इससे आप ही को फायदा मिलने वाला है। फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा फ्रेंड, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड। थैंक यू एंड विश यू गुड लक टू एवरीवन।